Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Waqar Gujjar. I'm very obliged to those who have subscribed my YouTube channel, and those who haven't or those who have just joined us, please subscribe so you can get timely updates through our YouTube channel. मौजूद नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि आज के इस डिजिटल मार्केटिंग के दौर में हर वो शख्स का वो किसी भी बिज़नेस से ताल्लुक़ रखता हो, अगर आप ग्लोबली अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ द बेस्ट टूल, इट्स द बेस्ट वे टू प्रमोट योर वॉइस थ्रू आउट द वर्ल्ड. देखें, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर नॉट ऑनेस्ट, बट इवन इफ़ यू आर वर्किंग फेयरली, यू आर बीइंग ऑनेस्ट, यू शुड यूज़ दीज टूल्स टू प्रमोट योर वॉइस, टू इंक्रीज योर सर्कल. You know, you have to maximize the clientage, and I think this is the only way that you can use to maximize your clients, to raise the maximum people around you. Agar main apni baat karun to I have studied business analysis and system analysis from Melbourne, Australia. So basically I am a business analyst. Alhamdulillah, I was making very good money in Australia, but I think I just did one mistake. Before moving towards that, मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करूँ कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आप वहाँ से क्यों वापस आ गए. It was my personal choice to come back to Pakistan and to live here for good. Anyways, जो मैंने वहाँ पे रहते हुए गलती की, मैं अपनी अमाउंट जो थी, द मनी आई वॉज़ मेकिंग ओवर देयर, आई जस्ट केप्ट इन द बैंक, आई डिडेंट इन्वेस्ट एनीवेयर, क्योंकि मैं एक ज़िम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखता था. तो आपको पता है कि ज़िम्मेदार लोग जो हैं वो अपनी मनी सर्कुलेट करना नहीं जानते. आई वॉजेंट इन द बिज़नेस सर्कल एनीवेज, सो आई जस्ट केप्ट माई मनी इन द बैंक. एंड व्हेन आई केम बैक हियर, the money I was having in the bank was same, not even the same, but you know the money is always devaluing, so the value of money was not the same which I was having in my bank at that time. Wo log jo job karte hain and they save their money in the banks, I think they are not doing a great job anyways. To aapko us money ko ek proper tarike se ek सही जगह के ऊपर इन्वेस्ट करना है. और वो इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, वो इंसान अपनी गलती से सीखता है. उसे कुछ चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि वेयर ही हैज़ टू यूटिलाइज दिस मनी टू गेन द मैक्सिमम बेनिफिट्स, टू गेन द मैक्सिमम प्रॉफिट इन द रियल एस्टेट सेक्टर. तो मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने वो कुछ असूल भी बताए हैं कि क्या क्या आपको, किन बातों का आपको ख्याल रखना है व्हेन यू हैव टू इन्वेस्ट इन द रियल एस्टेट मार्केट. आइदर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन कैश और यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन इंस्टॉलमेंट्स. ऑब्वियसली द वन हु इज़ डूइंग हिज जॉब, ही कांट इन्वेस्ट इन कैश, ही हैज़ टू टेक सम बेनिफिट्स फ्रॉम इंस्टॉलमेंट्स बिकॉज ही इज़ हैविंग अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम एवरी मंथ. तो आपके पास दो तरह की चॉइस हैं. एक तो आप थोड़ा जो है महंगे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसकी डाउन पेमेंट्स जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं, एंड सेकेंडली देर आर फ्यू लो कॉस्टिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वेयर यू कैन इन्वेस्ट योर मनी एंड कैन गेन द मैक्सिमम बेनिफिट्स इन द कमिंग फ्यूचर. राइट नाउ आई एम वर्किंग इन पार्कवे सिटी लाहौर, Victoria City Lahore. I think that is the low cost housing project and you can gain the maximum profits at the end. The reason is Sheramala Group is a well known group in real estate sector, especially in Lahore. They are very well known, they have a very good name, they have a good reputation in this sector. And Victoria City is their first housing project. इससे पहले वो high rising buildings में काम कर चुके हैं, उन्होंने अपना एक वहाँ पर एक नाम कमाया है,
उनके गालबन 5-6 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं अंडर प्रोग्रेस हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। द प्रीवियस वन इज़ टाइम्स केयर मॉलर्न रेजिडेंशिया, उनका बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है जो मेन रायवन रोड के ऊपर है। शेरावाला हाइट्स, उनका एक बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है। इसके अलावा भी वो अपने प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं और इसी चीज़ पे ट्रस्ट करते हुए लोगों ने उनके इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। और वो लोग जो वहाँ पर आज से 2-3 हफ्ते पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो इस टाइम प्रॉफिट पे हैं। जो किसी लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं, वो वर्किंग कर रहे हैं कि कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि विक्टोरिया सिटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। वहाँ पर आप अपनी अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी हेजिटेशन। इसके अलावा अगर आप कैश के ऊपर कोई लो हाउसिंग प्रोजेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, तो रायवन रोड की मार्केट के बाद आई थिंक सुयासल रोड इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर द पीपल हु आर लुकिंग फॉर लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, हु आर लुकिंग ऑन ग्राउंड प्लॉट्स इन लो बजट। सफारी गार्डन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बैरिया EMC इज़ अ गुड ऑप्शन टू। सफारी गार्डन में मैं बताता चलूँ कि स्टार्टिंग के जो ब्लॉक्स हैं ए और बी, वहाँ पे आप 5 मरले का प्लॉट जो है वो 20 लाख में मिल जाता है, 4 लाख फी मरला के हिसाब से। अगर आप रायवन रोड की तरफ आते हैं तो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स जो है वो आपको 12-13 लाख फी मरला के हिसाब से मिलते हैं। और आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि सुए असल रोड भी जो है उसकी मार्केट भी रायवन रोड की कंपेटिटर साबित होगी। तो अगर आप थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, डी और ई ब्लॉक्स को आप कंसीडर करें, तो वहाँ पर 5 मरले का प्लॉट जो है वो आपको 13-14 लाख की ब्रैकेट में मिल जाता है। इसके अलावा वहाँ पर सफारी होम्स की ऑप्शन भी मौजूद है। अगर कोई बने बनाए डबल स्टोरी 3 मरले का घर चाहता है, तो वो भी 4 साल की पेमेंट प्लान के साथ वहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। वीडियो पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, मज़ीद मालूमात आपको वहाँ पे दे दी जाएंगी। फिर भी ब्रीफली मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि इसकी टोटल प्राइस जो होगी वो 55 लाख होगी, जिसमें जो बुकिंग अमाउंट है जिसे आप डाउन पेमेंट का नाम भी दे सकते हैं, वो जस्ट 15 लाख रुपए है। इसके बाद आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स देना होगी और वो भी बहुत ही कन्वीनियंट हैं, बहुत इजी इंस्टॉलमेंट प्लान है। सिर्फ 27,000 रुपये महाना आपको अदा करने होंगे। इसके साथ साथ ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जो कि एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। इसे मैं शॉर्ट टर्म का नाम नहीं दूँगा क्योंकि वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसे प्रॉफिट पर आते आते आपको कम से कम 5-7 साल इंतज़ार करना होगा। लेकिन चूंकि वो एक लो कॉस्ट और मेगा प्रोजेक्ट है, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में आपका एक अपना प्लॉट हो और एक ऐसी सोसाइटी में हो जहां पर ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम फैसिलिटीज़ दी गई हों, आपके बच्चों के लिए पार्क्स हों, आपके लिए वहाँ पर प्लेग्राउंड्स हों और आपके लिए तमाम ब्रांड्स जो हैं वो अंडर वन रूफ अवेलेबल हों, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बट यू हैव टू वेट एटलीस्ट 5-7 ईयर्स टू गेन द प्रॉफिट देयर। उसमें मैं बताता चलूँ कि 3.5 मरला की ऑप्शन भी वहाँ पर मौजूद है। वहाँ पे 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला की कैटेगरीज वहाँ पर मौजूद हैं। 3.5 मरला जो है उसकी टोटल प्राइस 8,40,000 है, जिसकी डाउन पेमेंट आपको सिर्फ 84,000 पे करनी होगी और ये कैटेगरी अवामी ब्लॉक के अंडर है। इसी तरह जनरल ब्लॉक में कम से कम 5 मरला की कैटेगरी और ओवरसीज़ ब्लॉक जो है वहाँ पे कम से कम 7 मरला की कैटेगरी के प्लॉट्स मौजूद हैं। अगर आप उन प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन चाहते हैं या मज़ीद मालूमात चाहते हैं, तो वीडियो पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आपको मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएंगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।